हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हरिओम क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है श्वाति। आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस ऑफ नाउन। नाउन मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, आप प्ले लिस्ट में जाकर को देख लीजिएगा। आज हमको प्रैक्टिस करनी है। आइए स्टार्ट करते हैं। द फैमिली लेफ्ट द हाउस। तो द फैमिली कौन सा नाउन है? फैमिली को ऑलवेज हम सिंगुलर नंबर सिंगुलर नाउन के रूप में लिखते हैं। तो द फैमिली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द फैमिली हैज। फैमिली के साथ ऑलवेज हम लोग हैज का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, द फैमिली हैज लेफ्ट द हाउस। नेक्स्ट है हमारा द पीपुल इन द क्राउड पुशिंग ऑन एन अदर। मतलब जो पीपुल हैं वो लोग ऑलवेज लोग क्या है ना, मतलब भीड़ में एक दूसरे को टच करते हैं। तो द पीपुल आर क्राउडिंग, द पीपुल इन द क्राउड पुशिंग ऑन एन अदर। तो ये पीपल जो है ना हमारा, हमने आपको उसमें लिखवाया है, आप देख लीजिए नाउन वाली वीडियो। पीपुल जो है ये ऑलवेज हमारा प्लूरल नाउन में ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, द पीपुल इन द क्राउड वर पुशिंग एन अदर। और यदि पीपुल को हम लोग प्लूरल बनाने, प्लूरल ये हमेशा रहता है ये, और यस या यस जोड़ करके हम और मान लीजिए इसको बनाना चाहें तो ये इसका अर्थ बदल जाता है। तो पीपुल्स हो जाएगा, उसका मतलब हो जाता है राष्ट्र। और नेक्स्ट है हमारा माई स्पेक्टिकल्स मिसिंग। तो ये स्पेक्टिकल्स मतलब क्या होता है, चश्मा। तो स्पेक्टिकल्स भी हमारा हमेशा प्लूरल नाउन के रूप में ही प्रदर्शित किया जाता है, और इसको हम लोग सिंगुलर बनाने का प्रयास नहीं करते हैं, तो हमेशा ये प्लूरल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर। तो हो जाएगा माई स्पेक्टिकल्स आर मिसिंग। नेक्स्ट है हमारा योर सीजर। क्या, योर सीजर्स नॉट वेरी शार्प। मतलब जो आपकी कैची है वो बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, मैंने बताया जैसे स्पेक्टिकल्स था, स्पेक्टिकल्स यहाँ पे एस लगा, अगर यस हटा करके इसको हम सिंगुलर बनाने का प्रयास करेंगे वो कभी नहीं होता, रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे ही क्या है, सीजर करके हम सिंगुलर नंबर बनाने का प्रयास नहीं करते, ये ऑलवेज हमारा प्लूरल ही होता है। द क्या हो जाएगा, द सीजर्स आर नॉट वेरी शार्प, मतलब कैची बहुत धारदार नहीं है। नेक्स्ट है हमारा फिजिक्स माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एस लग गया तो फिजिक्स प्लूरल नंबर हो गया। फिजिक्स सिंगुलर होता है, और मैथमेटिक्स हो गया, ये सब हमारे ऑलवेज जिमनास्टिक्स हो गया, ये सब हमेशा हमारे सिंगुलर नंबर के नाउन ही होते हैं। तो यहाँ पे हम सोचे कि फिजिक्स यस हटा करके फिजिक कर लें तो वो औषधि हो जाएगा, फिजिक में ये हमेशा सिंगुलर नंबर में ही प्रयोग किया जाता है। तो फिजिक्स में हमेशा हम लोग किसका यूज करेंगे, यहाँ पे एस का। तो क्या हो जाएगा, फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब क्या है, तो ये हमारे हो गए नाउन, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था किसको कहाँ पे कैसे यूज करना, मैंने बता दिया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट है हमारा फाइंड आउट द एरर। इसमें एरर कहाँ पे है, यानी कि कहाँ पे गलतियां हैं, ये हमको पकड़ना है। एरर इसमें देखिए, जैसे द सीजर उसके बाद लेइंग ऑन द टेबल नो एरर हुआ। तो क्या हो जाएगा, मतलब इसमें गलतियां कहाँ पे ये देखना। मैंने आप लोगों को बताया सीजर्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, ये सब हमेशा हमारे प्लूरल नंबर के ही रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे हम लोग इसका एस हटा करके सोचे सिंगुलर बना ले तो ऐसा नहीं होता, ये ऑलवेज हमारा प्लूरल ही होता है। आई ग्लासेस हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, और सीजर्स हो गया। तो ये सीजर नहीं बल्कि यहाँ पे क्या होता है, सीजर्स, और सीजर के साथ हमेशा ये प्लूरल में ही प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, सीजर्स।
क्या हो जाएगा? सीजर्स, आर का प्रयोग करेंगे, इसको इरेज करके फिर से लिख, तो क्या हो जाएगा? सीजर्स आर। तो द सीजर्स आर लेइंग ऑन द टेबल, ना एरर। तो इसमें कहाँ पे एरर है? ये पार्ट एट में, क्योंकि सीजर तो होता नहीं है, सीजर नहीं, हमेशा सीजर्स होता है, मतलब कैंची। नेक्स्ट है हमारा, द टीम मेंबर्स शुड लिसन टू द एडवाइस गिवन बाय द कैप्टन एंड द मैनेजर। नो एरर, नो एरर। इसमें एरर कहाँ पे, ये हमको देखना है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो एडवाइसेस, एडवाइसेस का यूज यहाँ पे नहीं होता है। एडवाइस मीन्स न्याय, न्याय होता है, तो यहाँ पे न्याय की ही बात की जा रही है, तो एडवाइसेस का यूज नहीं होगा यहाँ पे। हम लोग जब जरूरी हो जाता है इसको बना, मतलब नंबर इसमें दर्शाना, बहुत न्यूमेरल नंबर दर्शाना जरूरी हो जाता है, तो हमेशा एडवाइसेस नहीं, हम लोग पीसेस ऑफ एडवाइस ऐसा करके यूज कर देते हैं। जैसे तो यहाँ पे क्या यूज होगा? पीसेस, पीसेस ऑफ, पीसेस ऑफ एडवाइस, एडवाइसेस का यूज नहीं करते हैं। किसका यूज करेंगे? पीसेस ऑफ एडवाइस का यूज करेंगे। तो इसमें कौन सा नंबर मिस्टेक है? ये एरर, ये है सी वाले में एरर, एडवाइसेस नहीं। एडवाइसेस करने से मीनिंग ही तुरंत चेंज हो जाएगी, तो इसलिए हम लोग एडवाइसेस नहीं, बल्कि उसमें मैंने बताया आप लोगों को, हम नाउन में जा कर के देख लीजिए, आप पीसेस ऑफ एडवाइस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, सचिन तेंदुलकर स्कोर मोर देन 10,000 रन, नो एरर। अब देखना है इसमें, इसमें कहाँ पे मिस्टेक है। तो सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड मोर देन, यहाँ तक तो सही है। हाँ, ये 10,000 तो मैंने आप लोगों को बताया था, उसमें 10,000 था, हम लोग क्या करते हैं इसको थाउजेंड्स नहीं बोलते हैं, ये 10,000 का यूज, ये हमेशा क्या है ना कि प्लूरल में ही प्रयोग किया जाता है। 10,000 का यहाँ पे थाउजेंड्स नहीं लगाएंगे हम लोग, बल्कि 10,000 की जगह में एस लगा करके हम लोग इसको प्लूरल बनाने का प्रयास नहीं करते हैं। 10,000 नहीं होता है, 10,000, बस ये एस यहाँ पे हट जाएगा, एस नहीं रहेगा, इसलिए इसमें किसमें एरर है? डी वाले में। तो हम लोग थाउजेंड्स ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपके थाउजेंड्स का प्रयोग नहीं, थाउजेंड ऑफ का प्रयोग कर, थाउजेंड्स का प्रयोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है हमारा, द कैटल्स, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो कैटल्स जो है फील्ड में चर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या क्या मिस्टेक है, क्या रॉन्ग है? ये जो कैटल्स है ना, कैटल जो है सिंगुलर, हमेशा प्लूरल नंबर, सॉरी, हमेशा ये प्लूरल नंबर में ही प्रयोग किया जाता। अब क्या चाहे इसमें एस जोड़ करके कि हम इसको प्लूरल बना ले, कैटल ये दिखते हैं सिंगुलर, लेकिन ये हमेशा प्लूरल होते हैं। कैटल हो गया, पीपल हो गया, ये सब ना दिखते हैं आपको सिंगुलर, लेकिन ये ऑलवेज प्लूरल ही होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखिए, इसमें एस लगा करके प्लूरल बनाने का प्रयास कर लिए। मैंने बोला ना, कैटल हमेशा प्लूरल ही होते हैं, एस लगा करके प्लूरल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? कैटल्स नहीं, बल्कि कैटल। इसलिए इसमें किसमें एरर है? आप ए वाले में एरर है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, द पीपुल्स वॉच, क्या द पीपुल्स वॉच ट्राइंग टू इंस्टिगेट वायलेंट मूव, नो एरर। अब यहाँ पे इसमें कहाँ पे एरर है, ये आपको देखना है। तो मैंने आप लोग बताया, पीपल्स मीन्स हो जाएगा राष्ट्र, तो राष्ट्र में उसको यूज करते हैं। तो अभी बताया ना, कैटल, पीपल, ये सब हमेशा प्लूरल नंबर में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो अब ये यस जोड़ करके इसमें हम और प्लूरल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते। प्लूरल, पीपल हमेशा प्लूरल नंबर में ही प्रयोग किया जाता है। तो अब ये एस लगा दिए, तो हमेशा प्लूरल नंबर प्रयोग किया जाता है, और प्लूरल नंबर की एच बी क्या होती है? वॉच तो होती नहीं है, वर का यूज करते हैं,
तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे. क्या हो जाएगा, द पीपुल वर, द पीपुल वर ट्राइंग टू इंस्टिगेट वायलेंट, मतलब पीपुल हिंसक भीड़ को इंस्टिगेट करने का प्रयास कर रहे थे. चलिए अब आ गए नेक्स्ट, द कस्टमर, द कस्टमर बॉट 10 फर्नीचर्स स्टडे. इसमें देखते हैं कहाँ पे एरर है. एरर मैंने आपको पूरी नाउन वाली नाउन पढ़ा दी है, उस वीडियो में जाके देखिएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा सब. तो क्या, द कस्टमर बॉट 10 फर्नीचर्स स्टडे, इसमें कहाँ पे एरर है. तो द कस्टमर बॉट मतलब कस्टमर ने स्टडे कल 10 फर्नीचर्स खरीदे. मैंने आप लोगों को बताया था ये द कस्टमर बॉट 10 फर्नीचर, तो द कस्टमर बॉट यहाँ पे तो कोई एरर नहीं है. द कस्टमर बॉट मतलब कि कस्टमर खरीदे. अब 10 फर्नीचर्स, मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्नीचर होता है फर्नीचर्स नहीं, वाटर होता है वाटर्स नहीं. तो यहाँ पे जो 10 फर्नीचर हैं, ये 10 फर्नीचर्स, फर्नीचर्स नहीं रहेगा यहाँ पे. अगर 10 पीसेस ऑफ फर्नीचर्स का यूज करेंगे, इसका 10 पीसेस, 10 पीसेस ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर्स का यूज नहीं करते, ओनली फर्नीचर. जैसे वाटर्स, वाटर वाटर्स नहीं हो सकता, फर्नीचर फर्नीचर्स नहीं होता. इसलिए इसमें कौन से पार्ट में एरर है, बी वाले में. नेक्स्ट हमारा द इंफॉर्मेशंस, क्या द इंफॉर्मेशंस आर नेसेसरी टू सॉल्व द केस, मतलब कि द इंफॉर्मेशंस आर नेसेसरी टू सॉल्व द केस, मतलब सोचना है केस को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी है. तो यहाँ पे क्या है, द इंफॉर्मेशन, यहाँ पे इंफॉर्मेशंस नहीं होता है, इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशंस नहीं, इंफॉर्मेशन होता है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द इंफॉर्मेशन, ये हमेशा प्लूरल में प्रयोग है, इसमें एज जोड़ करके हम सिंगुलर बनाने का प्रयास नहीं करते हैं. क्या हो जाएगा, द इंफॉर्मेशन आर नेसेसरी टू सॉल्व द केस. तो इसमें कौन से वाले पार्ट में एरर है, ए वाले में एरर है. आइए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा 13 नंबर, देयर वर अ लॉट ऑफ फर्नीचर्स, देयर वर अ लॉट ऑफ फर्नीचर इन माई फ्रेंड्स हाउस, मतलब हमारे जो फ्रेंड्स के घर में ढेर सारे फर्नीचर्स हैं. तो मैंने बताया सबसे पहली बात तो यहाँ पे फर्नीचर्स का प्रयोग नहीं करेंगे, और अलॉट ऑफ ढेर सारे हैं तो यहाँ पे कहें अलॉट ऑफ पीसेस का प्रयोग करेंगे, अलॉट ऑफ पीसेस. अलॉट ऑफ पीसेस का प्रयोग किया जाता है, अलॉट ऑफ पीसेस. तो अलॉट ऑफ की जगह पे, अलॉट ऑफ की जगह पे हम लोग किसका कहाँ किसका पीसेस, तो अलॉट ऑफ पीसेस, अलॉट ऑफ को हटा कर पीसेस फर्नीचर इन माय फ्रेंड्स हाउस. नेक्स्ट इसमें कौन से वाले पार्ट में एरर है, बी वाले. नेक्स्ट द हंटर किल्ड अ डियर यस्टरडे, नो एरर. इसमें कहाँ पे एरर है, तो मैंने आप लोगों को बताया सर डियर, डियर जहाँ पे आ जाए, डियर और कैटल्स, ये सब हमेशा क्या होते हैं ना, प्लूरल नंबर में ही प्रयोग किए जाते हैं. इसको हम लोग सॉरी सिंगुलर प्लूरल दोनों में प्रयोग किए जाते हैं. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नो एरर, यहाँ पे नो कोई एरर नहीं है, ये हमारा सही है. हंटर किल्ड अ डियर यस्टरडे, मतलब शिकारी ने कल हिरन को मारा. नेक्स्ट योर आई ग्लास इज वेरी नाइस, नो एरर, मतलब आपका जो आई ग्लास है वो बहुत ही क्या है, नाइस है. तो यहाँ पे हम किसे, योर आई ग्लास इज वेरी नाइस, तो ये जो आई ग्लास है ना, आई ग्लास नहीं होता है, आई ग्लास नहीं, आई ग्लासेस होता है, आई ग्लास का यूज हम लोग नहीं करते. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई ग्लास एस छूट जाएगा, क्या हो जाएगा, योर आई ग्लासेस, आई ग्लासेस का यूज करेंगे.
तो योर आई ग्लासेस इज वेरी नाइस, इसमें कौन से वाले पार्ट में एरर थी, वन वाले में। तो आज हो गई नाउन की सारी प्रैक्टिस। अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।